भारतीय मजदूर संघ जिला मंडी के कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस के प्रांगण और कोर्ट परिसर में साफ सफाई के काम को अंजाम दिया। इस दौरान अनेक भारतीय मजदूर संघ कार्यकर्ता डीसी ऑफिस प्रांगण में झाड़ू लगाते नजर आए। भारतीय मजदूर संघ जिला मंडी के कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस के प्रांगण और कोर्ट परिसर में साफ सफाई के काम को अंजाम दिया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि सफाई का उद्देश्य सिर्फ सफाई करना ही नहीं था, पर लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना भी इस अभियान का एक हिस्सा है। वैसे ये है कि बच्चों का भी और बड़ों का भी एक सफाई का एटीट्यूड बने, हम इस प्रकार हो कि हमें गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। जब ये एटीट्यूड बन जाएगा और जैसे अपने यहाँ वादी है 125 करोड़ और उसमें 60 करोड़ युवा हैं, ये एक मुश्किल काम नहीं है। पर ये बात पक्की है कि ये इसमें चाहिए निरंतरता, जितने भी जिला के पदाधिकारी सब लगे हुए हैं काम करने के लिए, और पूरा आंगन हमने साफ काफ़ी कर दिया है और कुछ बचा हुआ वो करके जाएंगे साफ यहाँ से। ये हम कुछ शो के लिए नहीं आए, करके जाएंगे पूरा प्रोग्राम। सिर्फ यही कि यहाँ पर बैठे लोगों को प्रेरणा मिले कि हम इसको ऐसे ही नीट क्लीन रखें, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इसको बार बार रिपीट करें। भारतीय मजदूर संघ जिला इकाई के नरेंद्र गुलेरिया ने कहा कि आज सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस इलाके को साफ किया है और आगे भी ऐसे प्रयास होते रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं ने आज यह शपथ भी ली है कि कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी कचरा नहीं फैलाएगा और छुट्टी के दिन मंडी के किसी न किसी स्थान पर इस सफाई अभियान को दोहराया जाता रहेगा। किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र के विकसित होने की सबसे पहले कड़ी उस देश की सफाई व्यवस्था होती है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने इस स्वच्छता और सफाई के मिशन को एक नारा दिया है, उसी मिशन की कड़ी बनते हुए आज भारतीय मजदूर संघ की विभिन्न यूनियनों ने मंडी में सफाई का आयोजन किया। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने आज ये शपथ भी ली कि कोई भी व्यक्ति पब्लिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा करकट इत्यादि नहीं फेंकेगा, तथा जो भी छुट्टी इत्यादि बीच में आएगी उसमें हम विभिन्न स्थलों में छोटी काशी मंडी के विभिन्न स्थानों की सफाई किया करेंगे। इस मौके पर जिला मंडी भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष अशोक पराशर ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के बाद भारतीय मजदूर संघ ने भी यह निर्णय लिया है कि वे हर जिला में कोई ना कोई स्थान एक दिन के लिए सफाई के लिए गोद लेंगे। इसी कड़ी में आज इन लोगों ने मंडी कोर्ट और डीसी ऑफिस परिसर की सफाई की। आज हम लोगों ने जो जिला मुख्यालय का जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमारे जिलाधीश के कॉम्प्लेक्स, पुलिस अधीक्षक का कॉम्प्लेक्स, जजेस कॉम्प्लेक्स, जो कोर्ट के हमारे यहाँ पे काम करने वाले हमारे एडवोकेट्स हैं उनका कॉम्प्लेक्स है, सभी एक ही जगह पे, एक स्थान पे, काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो आज हमने निर्णय लिया है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स की सफाई, जो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित यूनियन है उनके सभी कार्यकर्ता यहाँ पे 150 के लगभग हमारे कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये थी खबर डीसी ऑफिस और कोर्ट परिसर के प्रांगण से, जहाँ भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।